यहाँ से पूरे संसार के अंदर एक डेथ नहीं हुई आज तक, आप दिल्ली के अंदर डेथ दिखा रहे हैं, मेडिकली प्रूफ करके दिखा दीजिए। पैनिक फैला रहे हैं आप लोग पूरी दिल्ली के, बिल्कुल फैला रहे हैं पैनिक। दिल्ली में बहुत सारे लोग दूर से आते हैं और लास्ट स्टेज में आते हैं। अगर कोई लास्ट स्टेज में दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहा है तो दिल्ली के प्रतिनिधि कहा जा सकता है। एमसीडी को जो है कंट्रोल करने का काम उनका होता है, वो कहते हैं फॉगिंग नहीं कर रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं, उसकी बात तो कोई करता नहीं है। दिल्ली में हॉस्पिटल के लिए जो भी करना है हमने सारा कुछ किया है, हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी है, पेशेंट को देखा जा रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल। यह विषय कोई केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में कोई दोषारोपण का नहीं है, बल्कि हमें ऐसे वक्त पर एक साथ मिलकर के पूरी ताकत से काम करना चाहिए। केंद्र सरकार तत्पर है और हर एक प्रदेश सरकार को मदद करने के लिए लगी है। A simple submission to Mr. Arvind Kejriwal is, sir, if you do not have the capacity to even buy a piece of pen as you are suggesting, why don't you resign? If you say that you have no role as the Chief Minister of Delhi, why the paraphernalia of a Chief Minister's office, ministers and crores of rupees being spent on the MLAs and Chief Ministers?